Now we are going to run exercise 4.2, example number 2. Without expanding through this determinant is equal to this determinant. Expansion नहीं करना है और हमें ये determinant prove करना है. सबसे पहले दोनों को देखिए तो a square वाले term और double double term. यहाँ पर वन स्क्वायर वाले और क्यूब वाले, यहाँ पर देखिए क्यूब है ही नहीं, तो क्यूब तब आ सकता है जब स्क्वायर को वन पावर से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है और बी सी है, मतलब ए नहीं है, ए मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें ए क्यूब मिलेगा. तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, आर वन को ए से मल्टीप्लाई करें, आर टू को बी से मल्टीप्लाई करें और आर थ्री को सी से मल्टीप्लाई करेंगे. टू बैलेंस द टर्म जितने वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से डिवाइड करना होगा, तभी हम इक्वल टू साइन रख पाएंगे. इक्वल टू की जगह पे वो साइन रखते हैं तो ए बी सी से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर होगा, ए क्यूब होगा, ए बी सी होगा, बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी क्यूब होगा, ए बी सी होगा, सी स्क्वायर होगा, सी क्यूब होगा और ए बी सी होगा. थर्ड कॉलम में आप देखिए सबके पास में एबीसी है, तो एबीसी कॉलम कॉमन ले लिया. अब यहाँ पर वन 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 रिमेनिंग है, हमें प्रूफ में वन 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 फर्स्ट कॉलम में चाहिए, इसीलिए हमने फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर टू, व्हेनेवर वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, साइन ऑफ डिटरमिनेंट बिकम ऑपोजिट. तो यहाँ पर साइन होगी नेगेटिव, वन 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 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और स्क्वायर वाले टर्म लास्ट में आ गए, लेकिन हमें स्क्वायर वाले टर्म सेकंड कॉलम में चाहिए. अगेन इंटरचेंज कॉलम टू एंड थ्री, ध्यान से देखिए दोस्तों, तो अगेन डिटरमिनेंट बिकम ऑपोजिट, तो माइनस का ऑपोजिट होगा, फिर प्लस, प्लस साइन होगा यहाँ पर, वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड वी गेट राइट हैंड साइड. क्या आप समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में. दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इनटू डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट के बदले डिटरमिनेंट जब भी प्रूव करना है तो एक्सपांशन बिल्कुल करना नहीं है, यह आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए. तो हमने क्या किया पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉलम की ऑपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये कॉलम एबीसी वाला है, ए कॉलम पीक्यूआर वाला है और ये कॉलम एक्सवाईजेड वाला है, तो हम कॉलम की ऑपरेशन नहीं लेंगे, रो की ऑपरेशन लेंगे. और देखिए बी बी के के सी सी सभी डबल डबल कंपोनेंट्स है लेकिन अलग अलग रो में, तो हमने क्या किया रो टू को वन से मल्टीप्लाई करके रो वन में ऐड किया एंड रो थ्री को वन से मल्टीप्लाई करके रो वन में ऐड किया. तो रो वन में हमें क्या मिल रहा है, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, टू टाइम्स बी प्लस क्यू प्लस आर एन, टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड. रिमेनिंग टू रोज आर एज इट इज. अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट रो में से सिर्फ हमने टू कॉमन लिया, बाकी के कंपोनेंट्स एज इट इज रखे. अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए ए सी है और बी एल की यहां पर बी नहीं है, तो हमने क्या किया इस रो को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में एड किया. तो यहां से देखिए सी ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस की रहेगा, आर टी कैंसिल होगी, माइनस की रहेगा, जेड एक्स कैंसिल होगी, माइनस वाई रह जाएगा. क्लियर. सिमिलरली यहां पर ए बी एस सी नहीं है, तो रो वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में एड किया, तो यहां पर माइनस सी मिलेगा, यहां पर माइनस आर मिलेगा, यहां पर माइनस जेड मिलेगा. अब हमने क्या किया, माइनस बी है यहाँ पर बी है, माइनस सी यहाँ पर सी है, तो इन दोनों को फर्स्ट एड करेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा. तो ऑपरेशन किया गया, सेकेंड रो को वन से मल्टीप्लाई करके वन में एड किया, थर्ड रो को वन से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में एड कर दिया. तो फर्स्ट में क्या मिला, ए बी एक्स मिला और रिमेनिंग टू रोज एज इट इज. अब क्या करना है, यहां से माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन कॉमन ले लिया. रिमेनिंग ए बी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, माइनस वन इंटू माइनस वन होगा प्लस, इंटू टू मतलब टू और ये होगा डिटरमिनेंट, और यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड में. सो
So we get the result 2 into ABC PQR XYZ as a RHS. देखिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करें जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको अच्छी तरह पता चलेगा. क्लियर? थैंक यू.